टू वैन कार्स, आज हमारे पास है टाटा के एल्ट्रोज और एल्ट्रोज का ये है हमारे पास ICNG मॉडल। इसके ऐसी कुछ इसमें की मिल जाती है, लॉक का फीचर, ये अनलॉक का फीचर, यहाँ पर फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर और ये बूट अनलॉक करने का फीचर, यहाँ पर हमें की में ये सब दिया गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प और यहाँ पर एक नॉर्मल सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर और एक नॉर्मल दिया गया है। नीचे ऐसा हमें फॉग लैम्प मिल जाता है, यहाँ पर उसकी DR दी गई है। यहाँ पर आते हैं तो बीच में यहाँ पर बड़ा सा टाटा का लोगो हनीकॉम ग्रिल इसमें मिल जाती है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरी क्रोम की लाइनिंग उधर से कंटिन्यू होके यहाँ तक आई है। और साइड की लुक दिखाऊँ तो साइड की लुक हमें ऐसी कुछ देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसे ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे फोल्ड होते हैं। देखो ऐसा लॉक बटन दबाया तो ये फोल्ड हो गए और ऐसा अनलॉक का बटन दबाया तो ये अनफोल्ड हो गए। ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी टाटा की। ऐसा डोर हैंडल उस साइड हमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और इस साइड हमें नहीं मिल जाता। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि कैसा कुछ रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें। तो देखो अभी की मेरी पॉकेट में है, इसी मेरी पॉकेट में रख देता हूँ मैं की, और यहाँ पर मैं बटन दबाऊँगा तो सिंपली ये लॉक हो जाएगी और फिर से एक बार दबाऊंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके टायर साइज हमें मिल जाता है 185/60 R16। इसमें टायर साइज मिल जाता है 185, ये 60 है और 16 इंच का ऐसा एलॉय मिल जाता है। एलॉय का डिजाइन मुझे एल्ट्रोज का बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पर इसका ऐसा फेंडर पे इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया टॉप मॉडल में भी। तो चलो कोई ना, और फिर साइड की लुक इसकी ऐसी मिल जाती है। तो अभी चलते हैं पीछे। पीछे देखो यहाँ पर ऐसा इसका टेल लैम्प, इसके टेल लैम्प का डिज़ाइन रात को बहुत प्रीमियम लगता है यार। टेल लैम्प मुझे बहुत पसंद है इसके। इधर कुछ भी नहीं दिया गया है, यहाँ पर LED सेटअप मिल जाता है हमें पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी बैकलाइट दी गई है एक साइड, और यहाँ पर ऐसा इंडिकेटर दिया गया है नीचे। फिर पीछे ऐसे एल्ट्रोज की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पर ऐसा टाटा का बड़ा सा लोगो। और बूट खोलने का बटन इसका इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे इसका बूट खोलने का बटन मिल जाता है। और पीछे ऐसा ऊपर शार्क फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर, और यहाँ पर रियर डिफॉगर मिल जाता है। और ये इसका रियर वाइपर दिया गया है, यहाँ पर CNG की बैजिंग और वोकल फॉर लोकल की बैजिंग मिल जाती है। छोटा सा स्पॉइलर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी ICNG की बैजिंग मिल जाती है, एल्ट्रोज की बैजिंग, और इसमें रियर कैमरा दिया गया है। नीचे आते हैं तो नीचे पीछे ऐसा छोटा सा फॉग लैम्प दिया गया है और यहाँ पर दो ऐसे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि इसका बूट कैसा है और बूट में कितनी स्पेस मिल जाती है। तो देखो ये टाटा का प्यारा लगा मुझे कि यहाँ पर नीचे CNG सिलेंडर है दो, और ऊपर ऐसा कुछ बूट दिया गया है, मतलब यहाँ पर आप सामान रख सकते हो और अच्छा खासा सामान आ जाएगा यार। यहाँ पर ऐसे पार्सल ट्रे अगर आप निकालोगे तो बढ़िया यहाँ पर स्पेस बन जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा सा सूट केस आ सकता है, यहाँ पर बैग्स वगैरह सब आ सकते हैं, मतलब आप एक लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकते हो इस अफोर्डेबल कार के साथ। यहाँ पर ऐसी टाटा की मोबिलिटी किट मिल जाती है। फिर यहाँ पर ऐसा बूट लैम्प हमें मिल जाता है, यहाँ पर आप 3 kg के दो हुक देख सकते हैं। ये एक मुझे टाटा की बात सही नहीं लगी कि यहाँ पर 60-40 स्प्लिट तो होना चाहिए था यार, यहाँ पर 100% ऐसी स्प्लिट दिया गया है, ये मुझे बात उनकी सही नहीं लगी। अभी चलते पीछे का, मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे क्या कुछ स्पेस वगैरह मिल जाता है इसमें। तो देखो अभी मैं अभी पीछे आ गया हूँ तो इतना कुछ स्पेस है मुझे। आप देख सकते हैं कि स्पेस भी बढ़िया है यार, यहाँ पर नीचे पैर वेर मेरे सही जा रहे हैं और यहाँ पर थाई सपोर्ट भी बढ़िया दिया गया है। आगे डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसी ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है, ये लॉक अनलॉक करने का ऐसा लीवर दिया गया है इसमें। इसमें अलग से इंटीग्रेटेड यहाँ पर होना चाहिए था पर वो उन्होंने नहीं दिया। पावर विंडो का भी दिया गया है, नीचे ऐसा स्पीकर दिया गया है हमें। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर और यहाँ पर छोटी सी स्पेस देखने को मिलती है। अच्छे ऐसा फ्रंट सीट में देखो पॉकेट दिए गए, यहाँ पर आप फाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे AC के विंड दिए गए, यहाँ पर ऐसा 12 volt का सॉकेट ना देके इन्होंने बहुत बढ़िया बात की। यहाँ पर आप सिंपली आपकी जो USB की केबल है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर फोन रखने की जगह है, थोड़ी सी फोन यहाँ पर आ जाता है। साइड सीट की बात करें तो सीट पूरी लेदर रैप हमें देखने को मिलती है और ये बढ़िया है, मतलब स्पेशली यहाँ पर ऐसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दो हमें दिए गए। आप देख सकते हैं दो हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। बीच में ऐसा आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी कप होल्डर इसमें नहीं मिलता पर ये कप होल्डर के बिना भी बहुत प्रीमियम लगता है। आप देख सकते हैं ऊपर ऐसा हैंडल बार दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोट हैंगर दिया गया है। तो चलते हैं अभी आगे, आगे का क्या कुछ स्पेस और क्या फीचर्स वगैरह इसमें मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी खोलते हैं इसका फ्रंट डोर। तो यहाँ पर अंदर हम आए तो यहाँ पर पहले डोर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का वैसे ही सिंपल वापस से स्विच, और यहाँ पर ऐसे विंडोज फोल्ड अनफोल्ड करने का हमें दिया गया है। यहाँ पर ऐसे विंडो ऐसे अनफोल्ड और वापस से किया तो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, आप देख सकते हैं।
फिर इसकी बात करूँ तो ये पूरा सॉफ्ट टच हमें दिया गया है। नीचे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, आप यहाँ पर बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पर छोटे से स्पीकर भी दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ छोटी सी स्पेस दी गई है, यहाँ पर आप अपना वॉलेट भी रख सकते हैं। ये फ्रंट और रियर फॉग लैम्प का है, यहाँ पर ये CNG का बटन है, यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है अंदर से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल क्यों नहीं दिए गए, ये नॉर्मल यहाँ पर ऐसे कंट्रोल दिए गए। देखो यार, ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर ऐसे कंट्रोल नहीं होने चाहिए थे, वो यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा पूरा लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर ऐसा टाटा का इसका लोगो छोटा सा, ये भी बहुत प्रीमियम लगता है। तो फिर अभी मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ आपको, और गाड़ी स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो ये सीधा CNG पर स्टार्ट होती है, आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पूरा कैसा दिखता है। यहाँ पर ये पूरा डिजिटली दिया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप देख सकते हैं। इसका ऐसा RPM मीटर दिया गया है, ये स्पीड मीटर, यहाँ पर इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कार में कितना CNG है, कितना फ्यूल है। अभी बात करते हैं इसकी, इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत खास है। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैं आपको नहीं सुना सकता। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इसमें वर्ड 3 words नाम से एक फीचर, रेडियो, USB, नोटिफिकेशन, ऑडियो सेटअप वगैरह सब इसमें, केबिन एयर क्वालिटी, मतलब ये एयर प्यूरिफायर का है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। ये भी मुझे बहुत बढ़िया बात लगी, पार्क असिस्ट और वो सब फीचर दिए गए हैं इसमें। इसके रियर कैमरा की क्वालिटी डिसेंट इसमें मिल जाती है। फिर अभी मैं ये बंद कर देता हूँ। इसके सेंसर्स कैसे आवाज कर रहे थे आपने देखा होगा, टूरियो स्पार्किंग सेंसर इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका ऐसा हैजर्ड लाइट का बटन हमें दिया गया है, ये इसके AC वेंट नॉर्मल हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर AC अल्ट्रास की बैजिंग, और यहाँ पर इसका स्टेयरिंग बहुत अल्ट्रा स्मूथ स्टेयरिंग है यार, इसका ये स्टेयरिंग भी मुझे बहुत पसंद आया। और नीचे ऐसा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हमें मिल जाता है। यहाँ पर ऑटो की बैजिंग, ये सिंगल जोन ही दिया गया है, यहाँ पर रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, यहाँ पर ये फैन स्पीड कम ज्यादा करने का, और इसकी डिस्प्ले यहाँ पर आ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इसमें, 7 तक इसमें आता है, और वो आपको आवाज आई होगी कितना मतलब फास्ट है इसका ब्लोअर। यहाँ पर आते हैं तो ये 5-speed मैनुअल हमें गेयरबॉक्स मिल जाता है, इसकी शिफ्टिंग भी स्मूथ मिल जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल एंट्रोज में कैसे ऐसे बटन आ जाते हैं यहाँ पर स्पोर्ट ड्राइव मोड के, तो यहाँ पर इसमें ऐसे हटा दिए, क्योंकि CNG और ये खाली मैनुअल में ही मिलती है, ऑटोमेटिक में नहीं मिलती। यहाँ पर छोटा सा स्पेस हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, अभी देखो यहाँ पर मैंने फोन ऐसा रखा, चार्ज होना ऑन हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हैंड ब्रेक मिल जाता है हमें, ये पैसेंजर साइड दिया गया है हैंड ब्रेक, और यहाँ पर 2 cup holder भी देखने को मिलते हैं हमें। ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ओपन हो जाता है, और इसके नीचे ऐसी डिसेंट स्पेस दी गई है, मतलब ये डीप है यार थोड़ा। और इसका मेन ये पियानो फिनिश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है यार, पियानो फिनिश इसमें बहुत सही मिलती है। और इसके ट्विटर्स आप देखो तो ट्विटर्स इसमें यहाँ पर आगे दिए गए हैं। यहाँ पर अभी इसका हम ग्लव बॉक्स खोल के देखते हैं, यहाँ पर ऐसा इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर इसमें ऐसी लाइट दी गई है, ऊपर ऐसा आप टैबलेट वगैरह रख सकते हैं आपका। ये इसके AC वेंट का डिजाइन जो कि बहुत बढ़िया दिया गया है, ऊपर ऐसे इसकी कुछ सनरूफ मिल जाती है। और इसका मेन अट्रैक्शन है यार, इसकी सनरूफ बहुत बढ़िया है यार, सनरूफ मुझे इसकी बहुत प्यारी लगी। तो यहाँ पर इसके ओपन करने के कंट्रोल हमें मिल जाते हैं, सिंगल टच ओपन हो जाता है ये, और उसके साथ एक टच में क्लोज भी हो जाता है। यहाँ पर ये ऐसा व्हाइट लाइट मिल जाती है, फिर यहाँ पर ऐसा टिकट होल्डर के साथ ये सनशेड दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा इतना सा पार्ट रहता है, आप देख सकते हैं इतना पार्ट इसमें रह रहा है। और यहाँ पर देखो ऐसा इसका इसमें मिरर दिया गया है, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर ऐसी एयरबैग की बैजिंग हमें देखने को मिलती है। तो अभी बात करते हैं इसके ये कंट्रोल की, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं हमें। यहाँ पर ऐसा हेडलैम्प लेबलर दिया गया है, इंडिकेटर्स वगैरह के ये ऐसे, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प है यार इसमें। और यहाँ पर ऐसे ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे एक ही बैजिंग है, और वाइपर्स इसके एरोटून है। तो इसका क्लच और ये सब बहुत स्मूथ है, आप देख सकते हैं, मतलब आप फील तो नहीं कर सकते पर मुझे फील हो रहा है बहुत स्मूथ है यार इसका क्लच। आटा बदनाम थी पहले कि उनमें ऐसे ट्रक जैसे क्लच और ये मिल जाते हैं, पर इसमें ऐसा बटर स्मूथ क्लच मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें डेड पेडल भी दिया गया है, ये भी मुझे बहुत सही लगी। यहाँ पर ये ब्रेक एक्सीलेटर, और इसमें स्पेस भी बढ़िया है। अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे सारे सेफ्टी फीचर्स आ रहे होंगे। सेफ तो ये गाड़ी बहुत है यार, बहुत सेफ हमें मिल जाती है ये कार। इसमें एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, जो कि रात के समय बहुत प्यारी दिखती है यार एम्बिएंट लाइट, यहाँ पर इसके पीछे मिल जाती है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मैं आपको बता देता हूँ, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ से सिर्फ ऊपर नीचे का मिल जाता है,
ऊपर नीचे आप स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पर आगे पीछे तो नहीं कर सकते। हॉर्न इसमें ऐसा हॉर्न बढ़िया दिया गया है यार, इसके साइज के हिसाब से हॉर्न मुझे इसका बढ़िया लगा। और यहाँ पर ऐसा IRVM, यहाँ पर डे नाइट एडजस्टमेंट दिया गया है। चलो यार अभी बात करते हैं इंजन की, तो इंजन कैसा कुछ हमें मिल जाता है। तो बोनट खोलने का लीवर हमें यहाँ पर मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने खींचा और बोनट थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। को इसका बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ, बोनट इसका बहुत भारी मिल जाता है। ये है टाटा का 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन। CNG में इसकी ट्यूनिंग बहुत सही की गई है। पावर और टॉर्क रेशो आपको स्क्रीन पर आ रहे होंगे। यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे इंसुलेशन दी गई है, और इंसुलेशन की तो जरूरत है ही टाटा को। देखो अगर आप ऐसे अल्ट्रा जैसी प्रीमियम कार खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे सीधा मोटर्स करके मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको विजिट एक बार जरूर करना, एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर बढ़िया डिस्काउंट के साथ गाड़ी ले सकते हैं। ये थी टाटा अल्ट्रोज ICNG। कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।